नील और ईवाई दो सिस्टर जंगल में अकेली रहा करती थी, पर अब जब वर्ल्ड का एंड होने वाला है तो सारे खतरों को इन दोनों को एक साथ मिलकर ही सामने जाना पड़ेगा। इसी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आज की हमारी मूवी इनटू द फॉरेस्ट ये 2015 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी आती है। अगर हमें एक्चुअल में इस तरीके की सिचुएशन में डाल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ये सोचने में मजबूर करने वाली ये मूवी है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर्स नील और ईवा को देखते हैं। ये दोनों सिस्टर्स थी और अपने फादर रॉबर्ट के साथ जंगल में रहा करती थी। ईवा को एक डांसर बनना है तो इस वजह से डांसिंग कॉम्पिटिशन के लिए वो बहुत मेहनत करती है। नील अब कॉलेज जाने वाली थी तो इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करती है। बीच बीच में सिटी में आते रहते हैं या अपने फ्रेंड से मिलते हैं, ईवा अपने क्लासेस वगैरह करती है। एक रात जब इनका नॉर्मल रूटीन चल रहा था तभी अचानक से लाइट चले गए। नील ने अपने फादर से कहा कि हमारे पास तो सोलर पैनल है, क्या आपने अब तक उसका इन्वर्टर लाया नहीं? रॉबर्ट कहता है कि अब एक दो दिनों में वो आने वाला था, इनके पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहना पड़ता है। नील को स्टडी करना था तो गाड़ी की ट्रंक से वो लैम्प लेकर आती है। उसने डिक्की को बंद किया था पर वो खराब थी तो इस वजह से ओपन हो गई। ओपन होने के साथ गाड़ी की लाइट्स भी ऑन हो गए थे। रात भर ऑन ही रहे तो गाड़ी की सारी बैटरी चली गई थी। अगले दिन टाउन में जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फादर जाकर घर में की बैटरी लेकर आते हैं। नील ने रेडियो चला तो उसे पता चलता है कि पास का पावर प्लांट बंद हो चुका है। अचानक से कुछ प्रॉब्लम आया था। फादर ने न्यू बैटरी लगाने का ट्राई किया पर ये वर्क नहीं करती। अब गाड़ी को स्टार्ट करना इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था। ऐसे ही घर में कैंडल्स वगैरह जलाकर अपना रूटीन कंटिन्यू करते हैं। नील जरा वरी कर रही थी कि क्या वो अपने टेस्ट में पास हो पाएगी। उसके फादर रॉबर्ट कहते हैं, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम लाइफ में जो भी चाहते हो ये सारी चीजें पा सकते हो। अगले दिन रॉबर्ट को एक आइडिया आता है। उनके पास एक वुड कटर था, इसी की टेक्नोलॉजी को यूज कर वो गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ये सब करते करते उन्हें 10 दिन लग गए थे। 10 दिनों बाद जब वो सिटी में जा रहे थे तो आसपास के हाउस में कोई भी रह नहीं रहा था। सामान लेने के लिए सुपर शॉप में जब वो पहुंचे तो लोगों ने सब कुछ खाली कर दिया था। सुपर शॉप का ओनर स्टैन भी उन पर डायरेक्टली गन लगाता है। पावर जाने की वजह से लोग आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस शॉप को लूटने के लिए भी आए थे। इस वजह से स्टैन ने सब कुछ तैयारी कर रखी है। रॉबर्ट उसे पैसे दिखाता है और ये 2-3 महीने की ग्रोसरी ले लेते हैं। टाउन में पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था। रॉबर्ट ने स्टैन से बात की तो स्टैन ने उसे ब्लैक में बहुत सारा पेट्रोल दे दिया। फिर ये सब टाउन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। ईवा अपने डांसिंग की क्लास के लिए गई और नील एक लड़के को पसंद करती थी तो उसे मिलने के लिए चली जाती है। एक जगह पर पार्टी चल रही थी तो वहां जाकर ये दोनों ड्रंक हो गए। रात में रॉबर्ट और ईवा उसे लेने के लिए आते हैं। आज जो भी टाइम नील ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताया उसे बहुत अच्छा लगा था। बॉयफ्रेंड का नाम था एलाय। ईवा को आज जरा बुरा लग रहा था। उसे लगता है कि शायद वो इतनी अच्छी डांसर नहीं है, वो कॉम्पिटिशन में जीत नहीं पाएगी। नील उसे कहती कि ज्यादा वरी मत करो, तुम एक बेस्ट डांसर हो। घर जाते वक्त उन्होंने देखा एक जगह पर कुछ आदमी रुके हुए थे। रॉबर्ट क्या हुआ है देखने के लिए गाड़ी रोक लेता है पर उन लोगों के पास गन थी। उन्होंने कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अब ये लोग क्या कर रहे थे, क्या वहां पर कोई इंजर्ड था, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। पर ये जो सारी सिचुएशन है ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल और डेंजरस है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त नील अपने फादर से पूछती है, नेक्स्ट टाइम हम सिटी में कब जाएंगे? तो फादर ने कहा ये कुछ भी फिक्स नहीं है। अब उनके पास सप्लाईज थी और ये वक्त बहुत ही खराब है तो इस वजह से इन्हें फिर से टाउन में जाना जरा अवॉइड करना पड़ेगा। नील फिर से एलाय को देखना चाहती थी तो इस बात से वो डिस्टर्ब हो गई। एक दिन रॉबर्ट पेड़ तोड़ने के लिए गए हुए थे। अचानक से उनकी चीख नील और ईवा को सुनाई देती है। ये भागते भागते वहां पर पहुंची तो रॉबर्ट ने एक्सीडेंटली अपने पैर को कट कर दिया था। उनका बहुत सारा खून बह चुका था। वो इनसे कहते हैं, तुम दोनों को कुछ भी नहीं होगा, एक दूसरे का ख्याल रखना। नील और ईवा ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी कर नहीं पाए। वही पर उनकी डेथ हो जाती है। रात भर उनके पास ही पड़ी रही। अगले दिन वो उन्हें बरी कर देते हैं। ये दोनों बेचारे इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थी। उनके बचपन में उनकी मदर की डेथ हो गई थी तो उनके फादर ही उनके लिए सब कुछ थे। अब ये एक दूसरे का सहारा बनती है, खुद अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करने का कोशिश करती है पर कोई भी कर नहीं पाता। अब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो म्यूजिक भी नहीं चला सकते तो ईवा घर की घड़ी की आवाज पर ही डांस करती है। ऐसे डांस करते करते वो तंग आ गई थी। अलग काम में उसने कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की पर वो ये सब कर नहीं पाती। उसने फिर नील से बात की, कहती है कि थोड़े टाइम के लिए हम जनरेटर लगा लेते हैं।
वो सब चीजों से तंग आ गई थी और एक एस्केप चाहती थी। नेल ने उसे कहा, जनरेटर के लिए हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी और फ्यूल हमारे लिए सिटी में जाने के लिए। एवा कहती कि हम सिटी में जा सकते हैं, फिर भी हमारे पास थोड़ा फ्यूल बाकी रहेगा। नेल ने कहा कि हमें इमरजेंसी के लिए उसे रखना चाहिए, हम इस तरीके से ऐसा स्पेंड नहीं कर सकते। एवा को आज म्यूजिक की बहुत जरूरत थी, तो इस बात से वो बहुत अपसेट हो जाती है। वो इतनी अपसेट हो गई कि नेल से बात करना भी उसने बंद कर दिया था। इनके पास कुछ मुर्गियां थी, तो अंडे वगैरह खाकर इनका ब्रेकफास्ट हो जाता था। एक रात जंगली जानवर आकर इन मुर्गियों को लेकर जाते हैं। बेचारी नेल को ये देखकर बहुत बुरा लगा था। एवा उसे थोड़ा सा भी बात नहीं करती, उसे अकेला ही खाना खाना पड़ता है। नेल ने एवा को समझाने की कोशिश की, पर एवा कहती है अगर मॉम जिंदा होती तो समझ सकती कि मैं क्या महसूस करती हूँ। रात में नेल को सपना आया कि उसके फादर के ग्रेव को जंगली जानवर खोद रहे हैं। इस सपने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। एवा देखकर उसे सहारा देती है। उसने रियलाइज किया कि एक दूसरे से झगड़ नहीं सकती, दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। थोड़े दिनों में यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई, छत से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे आने लग गया था। एक रात ऐसे ही नेल अपने बुक्स ढूंढ रही थी तो वहां पर उसे चॉकलेट का बॉक्स मिला। उसमें एक ही चॉकलेट थी और कुछ गम था। वो एवा को अपने पास बुलाती है। एवा इस पर ध्यान नहीं देती तो उसने चॉकलेट खा लिया। इतने दिनों के बाद चॉकलेट मिलना उसे बहुत अच्छा लगा था। एवा आकर उसे कहती है कि प्लीज मुझे 10 मिनट के लिए जनरेटर स्टार्ट करने दो। नेल ने कहा कि हम जनरेटर तो नहीं स्टार्ट कर सकते, पर मेरे पास तुम्हारे लिए गम है। ये गम देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में उसने रियलाइज किया कि यहाँ पर चॉकलेट भी होगा। नेल कहती कि तुम्हें तो चॉकलेट पसंद नहीं था, उसने खा लिया। इस बात पर एवा और उस पर गुस्सा हो गई। यह फिर से झगड़ते उससे पहले बाहर से उन्हें कुछ आवाज आया। डर कर अपने डैड की गन इन्होंने निकाली। छुपके से दरवाजा खोला तो एला नेल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच गया था। वो कहता है कि बहुत दिनों से तुम लोग सिटी में नहीं आए, तो बहुत ही वरीड था तो देखने के लिए पहुंच गया। ये अपने फादर के बारे में उसे कहते हैं, उनकी सारी सिचुएशन बताते हैं। एला ने भी सिटी के बारे में बताते हुए कहा कि वहां पर भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी के पास पेट्रोल नहीं, तो सब लोग साइकिल पर घूमने लग गए थे। पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, ये सारी चीजें अब तबाह हो चुकी है। आज रात एला यहीं पर होगा। सुबह होने पर नेल उसे एक जगह दिखाने के लिए लेकर जाती है। ये एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ पर आप रह भी सकते हो। यहीं पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों की नजदीक आए एवा को अच्छी नहीं लगती, ये बात एलाय नोटिस करता है। नेल ने उसे कहा कि वो सिर्फ अपने डांस में जरा बिजी रहती है, इस वजह से तुम्हें इग्नोर कर रही है। एक दिन एवा नेल से कहती है कि तुम्हें जरा केयरफुल रहना चाहिए, सिर्फ तुम प्रेगनेंट वगैरह मत होना, ऐसी सिचुएशन में हम ये सब चीजें हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब थोड़े दिन बीत गए थे। नेल और एला एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे। एला नेल से कहता है कि एक जगह है जहां पर मैंने सुना है कि सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए। ये जगह बहुत ही दूर थी तो यहाँ जाने के लिए रिस्क भी है। ये प्लान जब वो एवा को बताते हैं तो इस रिस्क की वजह से एवा इसके लिए मना करती है। नेल ने उसे अपने साथ आने के लिए समझाने की कोशिश की, पर एवा मानती नहीं। उसने नेल से कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, वो उसे रोकने नहीं वाली। जाते वक्त नेल रो रही थी, कहती है हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। एवा ने कहा कि हमने सेपरेट चॉइस की, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। एवा को भी बहुत बुरा लग रहा था। नेल के जाने के बाद वो भी बहुत रोती है। एलाय के साथ नेल जरा आगे आई, फिर वो रियलाइज करती है कि एवा को इस तरीके से वो अकेला नहीं छोड़ सकती। उसके फादर ने कहा था एक दूसरे का ख्याल रखना, अब वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। सब चीजों के बारे में उसने एलाय से बात की। एलाय समझ सकता है, पर उसके लिए वो जगह ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो अकेला ही चला गया। भागते भागते नेल एवा के पास आई और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। अब दोनों मिलकर आसपास के सारे प्लांट्स का स्टडी करते हैं। अगर यहाँ पर इन्हें सही तरीके से रहना है तो सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। इन्होंने फ्रूट्स लाए, उन्हें सुखाया और विंटर के लिए फूड रेडी किया। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों को लेकर वो एडजस्टमेंट करने लग गए। एक दो मंथ गुजर जाने के बाद नेल जरा वरीड थी कि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो इस वजह से उसे बहुत अच्छा लगा। आज रात ये दोनों मिलकर पार्टी करते हैं। नेल ने कहा कि हम शायद 10 मिनट के लिए जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं, तो एवा को भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों मिलकर डांस करते हैं, अपने फादर और मदर की ओल्ड टेप्स को देखते हैं। ये देखते हुए वो इमोशनल हो गई थी। एक दिन नेल जंगल में फ्रूट्स लेने के लिए गई और एवा घर पर ही लकड़ियां तोड़ रही थी, तभी अचानक से वहां पर स्टैन पहुंच जाता है। उसने आसपास देखा और नोटिस किया कि कहीं भी रॉबर्ट नहीं है।
एवा उसे झूठ बोलती है कि फादर आसपास ही है, पर वो समझ जाता है। वो स्लोली स्लोली उसके पास आ गया और ज़बरदस्ती इंटीमेट हो गया। नेल वापस आने के बाद एवा को बहुत बुरी कंडीशन में पाती है। उसने उसकी हेल्प दी, उसे सहारा दिया, पर एवा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उसे आजकल कुछ भी करने के लिए मूड नहीं था, खाना भी बहुत कम खाती थी। एवा ने नोटिस किया कि जाते वक्त स्टैन उनका पेट्रोल भी लेकर गया था, पर नेल स्मार्ट थी, उसे पूछे बिना एवा पेट्रोल ले सकती है, तो इस वजह से नेल ने पेट्रोल को छुपा दिया था। एक दिन नेल ने एवा को चीरअप करने के लिए ज़रा म्यूजिक चलाया, पर एवा को ये भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट दिन में नेल को अपने फादर का इन्वेलोप मिलता है, उस पर पम्पकिन लिखा हुआ था। उसके फादर हमेशा उसे पम्पकिन बुलाया करते थे, तो उसे लगता है शायद उसके फादर उसके लिए लेटर छोड़कर गए हैं। ये उसने ओपन किया तो इसमें पम्पकिन के सीड थे। इन दोनों को बहुत बुरा लगता है। आजकल एवा घर के बाहर भी नहीं निकलती थी। एक दिन जब नेल घर के बाहर वुड तोड़ रही थी तो उसे चोट आ जाती है। उसके बैक पेन की वजह से उठ भी नहीं पा रही थी, तो एवा को फाइनली अपनी सिस्टर को बचाने के लिए घर से बाहर आना ही पड़ा। नेल को बचाने के बाद एवा रोने लग जाती है। वो कहती कि अब मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। कभी कभी उसे लगता है कि जैसे वो डूब रही हो। ये एक दूसरे को सहारा देती है। एक दिन एवा को उल्टी हो गई। इन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। नेल द्वारा नेचुरली ऑपरेशन कैसे करे इसके बारे में स्टडी करने लग गए। एवा ने उसे कहा कि मैं बेबी को रखना चाहती हूँ। अपने पेरेंट की गलती की सजा ये बच्चों को नहीं भुगतनी चाहिए। इस बच्चे की वजह से उसे जीने के लिए एक सहारा मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मंथ्स गुजर चुके हैं। प्रेगनेंसी में एवा को प्रोटीन्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से वो पेल लग रही थी। नेल ने इसके बारे में स्टडी किया और उसे पता चला कि एवा को मीट की ज़रूरत है। जंगल में जाकर फर्स्ट टाइम वो शिकार करने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत के बाद इसमें वो सक्सीड हो गए। ये सब करना उसे गलत लगता था, पर अपनी सिस्टर के लिए उसे करना पड़ता है। थोड़े समय में एवा हेल्दी दिखने लगती है। एवा को लग रहा था कि उसे बेटा ही होगा। एक रात डिनर करते वक्त अचानक से इन्हें स्मोक की स्मेल आने लग गई। अगर आसपास के लोगों को पता चलता है कि दोनों अकेली रहती है तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस वजह से लाइट्स वगैरह बंद कर सारे घर को इन्होंने कवर अप कर दिया। बहुत दिनों तक ये ऐसे ही रहे। अचानक से एवा को प्रेगनेंसी का पेन होने लग जाता है। उसकी अब डिलीवरी होने वाली थी। नेल उसे स्लोली स्लोली ट्री में लेकर गई। घर में बारिश की वजह से उनकी छत टपक रही थी, तो इस वजह से नेल उसे पेड़ में लेकर गई। यही पर एवा की डिलीवरी सेफली हो जाती है। बेबी को देखकर ये दोनों बहुत खुश थे। स्टॉर्म के बाद जब ये घर पर वापस आते हैं तो घर की छत टूट गई थी। अब इस तरीके से इस घर में नहीं रह सकते, इसका रिपेयरिंग करना भी बहुत ही हार्ड होगा। एवा नेल से कहती कि अब यहाँ से हम चले जाते हैं। पहले भी लोग बिना घर के रहा करते थे, हम एक नया घर बना लेंगे। अब वो यहाँ नहीं रह सकते। आसपास के लोगों से डर डर कर रहना अब इन्हें मंजूर नहीं था। नेल ने अपने घर से कुछ सामान लिया, अपनी फैमिली की कुछ यादें ली, इम्पोर्टेंट बुक्स लिए। इसके बाद ये घर को जला देते हैं। सदियों पहले नेचुरल तरीके से लोग जैसे रहा करते थे, इसी तरीके से रहना ये सीख लेंगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें बताकर जाती है कि हालात अगर कितने भी खराब है, पर अगर हम फैमिली के साथ हैं, मिलकर किसी भी चीज़ का सामना करें, तो कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं होती। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिएगा।